अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्योंकि मैंने उस दिन आपको बोला था कि शहर का भी आपको दिखाएंगे नज़ारा। आज आप लोग हैं शॉपिंग करना। आज हम ना शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। उस दिन आपको दिखाया था नज़ारा, वो नारवाड़ी का थोड़ा सा। और मैंने आपको कहा था कि मैं चले गए इसका भी जाएंगे, उसका भी दिखाएंगे नज़ारा आपको। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। रास्ते में भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र है, बहुत रास्ते में सफ़र भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में इसलिए जा रहे हैं और सफ़र दिखाते चलेंगे आपको। चलते हैं फिर आगे देखते हैं, सफ़र भी दिखाते हैं। यह ना बहुत प्यारा मंज़र है माशाल्लाह, ये देखें हरियाली हरियाली है। तो यहाँ पे सुबह सुबह सैर करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको ना सुबह सुबह की सैर का मंज़र भी दिखा देंगे। बहुत ही नज़ारा होता है, सांस खुल जाती है एक बार ना यहाँ पे सुबह सुबह सैर करने का। फ्रेश हवा होती है, ताज़ा हवा होती है। बाकी मेरी ना ये ज़ुबान वगैरह की नहीं टेंशन है, नहीं आपने मैं पंजाबी प्लस उर्दू जो है ना ये बोलता हूँ ऐसे ही है। तुहानू पता ही असं पिंडा वाले हाँ, पिंडा वाले जट। सो चलते आगे। मुझे तो भाई के पीछे बैठ के ना पूरी पायलट वाली फीलिंग आ रही है, था कि जहाज़ मेरा भाई चला रहा है, तो फीलिंग मुझे आ रही है पायलट वाली। काफ़ी मज़े का सफ़र होता है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मज़े का सफ़र है। रश भी काफ़ी है, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूरे मज़े के साथ। आगे भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, काफ़ी सफ़र है मज़े का है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। शहर में पहुंच के भी, शहर के इंटरनेट्स में भी दिखाएंगे, जब एंटर होते हैं शहर में वो भी सारा आपको दिखाएंगे। ये जी हम अब नहर के करीब पहुंच चुके हैं, ये नहर आ गई है, तो यहाँ से पानी वगैरह भी पियेंगे। पानी पीते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। पानी काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी दूर दराज इलाकों से, ये साथ साथ वाले गाँव हैं ना, काफ़ी दूर दूर से लोग जो चांद गाड़ियों पर आते हैं, रक्शे वगैरह पर आते हैं पानी लेने के लिए यहाँ से। तो काफ़ी ठंडा पानी है, ख़ास तौर पर रमज़ान में लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे ना पानी लेने के लिए। तो इंशाल्लाह आगे रमज़ान भी आ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे रश लगा होता है, लोग गाड़ियों में आते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बैठते ठंडी हवा लेते हैं। आपको ये भी दिखाता हूँ, सामने देखें बच्चा बैठा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, उसने पानी वाली कैन पकड़ी है। दूर दूर से लोग पीने आते हैं। ये नहर यहाँ से सीधा नंदीपुर जाती है, वहाँ से होती हुई तकरीबन आगे लाहौर तक चली जाती है। स्टैंड चुक लो, स्टैंड चुकड़ के चुके जाते हो। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सामने जो गांव नज़र आ रहा है, ये जी इसका नाम है जंडूसाई, जंडूसाई इसका नाम है। यहाँ पे मशहूर थी जो चीज़ें हैं वो हैं कसाईयों की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, और एक समोसों वाला है। समोसों वाला जैसे मोटू पतलू कार्टून में एक मशहूर है ना घसीटा राम, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी घसीटा राम की शक्ल का ये एक समोसों वाला है, वो भी काफ़ी मशहूर है। अभी देखते हैं आगे जाते हैं। तो सामने ये मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है, काफ़ी ऊँचे ऊँचे मीनार हैं। सामने ये लड़कियों का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंडूसाई, और ये साथ ही पेट्रोल पंप आ गया है। पहले वो पीछे नहर के पुल के साथ था, अब एक और ये है। पहले जो था ना पेट्रोल डलवाना होता तो बड़ी टेंशन हुआ करती थी कि शहर जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे, अब जगह जगह हो गए, जगह जगह पे पेट्रोल पंप बने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं हुई होती, यहाँ से मर्जी पेट्रोल डलवाओ और सीधा शहर। ये सामने एक और गाँव आ रहा है, ये भी उसी के ना सेम ही नेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उसका था नेम जंडूसाई, ये है जी कोट जंडू। यहाँ पे एक दरबार भी है काफ़ी बड़ा सा,
वहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है जब गंदम की काश्त होती है, उसके बाद मेला लगता है इंशाल्लाह। जब गंदम की काश्त होगी उसके बाद मेला लगेगा तो आपको मेले का भी मंज़र दिखाएंगे। काफ़ी दूर दराज लोगों से इलाकों से लोग देखने आते हैं, आपको मेले का भी मंज़र लाजमी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये अभी हम दरबार के सामने से गुजर रहे हैं और साथ ही दरबार के साथ ही प्राइमरी स्कूल है छोटा सा बच्चों का, और अभी थोड़ा सा आगे जाके ना ये कोट जंडू की दौड़ ख़त्म हो जाएगी और साथ ही जो है शहर की दौड़ शुरू हो जानी है। आपको शहर पहुंच के भी दिखाते हैं, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। रास्ते में टाउन वगैरह भी आते हैं। ये हम अब शहर के काफ़ी करीब आ गए हैं, सामने टाउन वगैरह जो है दिखाई देने लग पड़े हैं। आपको दिखाते हैं आगे जाके भी, काफ़ी प्यारे प्यारे टाउन हैं। किसी दिन आपको इंशाल्लाह टाउन के अंदर भी लेके चलेंगे, टाउन का मंज़र भी दिखाएंगे। ये शहर के काफ़ी करीब आ गए हैं हम, ये सामने टाउन दिखाई दे रहा है, ये सामने जो है पोल्ट्री फार्म दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ये इसके सामने पोल्ट्री फार्म के सामने ये आलू वाला स्टोर है, कोल्ड स्टोरेज है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये सामने स्ट्रॉबेरी लगी हुई है क्योंकि आगे स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ रहा है, और वो सामने टाउन दिखाई दे रहा है, ये टाउन है सामने। ये जी अपना टाउन आ गया है, अपना मतलब ये हमारा नहीं है, इसका नाम अपना टाउन है। ये काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से देखे कितना प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे जी तकरीबन हम शहर में दाखिल होने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा ही फासला रह गया शहर में दाखिल होने वाले हैं हम। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम आपके सामने अभी अभी शहर में दाखिल हुए हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि फ्रूट वाली जो है ना ठेले लगे हुए हैं, फ्रूट वाले ठेले लगे हुए हैं। इसके साथ ही पीछे जो है ना वो नहर है, वो ये वही नहर है जो पीछे हमने पहले आपको दिखाई थी, जो पीछे जंडू में देख के आए हैं ना, जंडू देखी थी जो नहर है, ये वही नहर है। ये वहाँ से कट के आती है, ये गाँव है बम्बा वाला, बम्बा वाला से इसका पानी जो है वो सीधा जंडू साई की तरफ जाता है, और वहाँ से एक इस तरफ भी रास्ता बना हुआ है डस्का की तरफ, तो ये वहीं से आ रही है, ये वही नहर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने दिख रही है आपको, ये वही नहर है जो झंडू में हमने देखी थी। लो जी बदिया गंदेरियां मिठियां गंदेरियां। आंटी आंटी जी दुपट्टा चुक लो, नहीं तो चुके जाते हो। ये जी सामने लारी अड्डा आ गया है, यहाँ पे लोग बसों में सवार होकर दूर दराज शहरों में सियालकोट वगैरह, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह के दूर दूर शहरों में जाते हैं। ये सामने डस्का का टावर है जिसके क्लाक लगा हुआ है, इसका नाम रखा गया है जी राणा मोहम्मद खुशनूद शहीद चौक। ये काफ़ी मशहूर तरीन चौक है,